सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तरंडुम जिया। देखिए गाइस, आज एक और बहुत ही खूबसूरत से डिज़ाइन बनाया है मैंने टू कलर में। बहुत ही खूबसूरत ये लगता है। देखिए आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये सिक्स के मल्टीपल से आप इसमें फंदे डालेंगे, उसमें टू और प्लस कर देंगे। चलिए देखते हैं कि ये किस तरह से ये डिज़ाइन बनेगा। देखिए मैंने इसमें ये 32 फंदे लिए हैं। जब आपका बॉर्डर रेडी हो जाए तो राइट साइड से आपने दूसरा कलर इसमें ऐड करना है। देखिए एक सिलाई पहले राइट साइड की सीधी बनाएंगे हम क्रीम की। पूरी सिलाई को हम सीधा बुन देंगे। बहुत ही इजी डिज़ाइन है। ये देखिए फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हुई। अब हमारी सेकंड रो आई है, सेकंड रो को भी हम पूरा उल्टा बना देंगे। रॉन्ग साइड है तो इसको हम रॉन्ग ही बुन देंगे। देखिए सेकंड रो भी हमारी कंप्लीट हुई। अब हमारी रो थर्ड आई है तो देखिए इसमें हमें क्या करना है। स्टार्ट में और लास्ट में हमारे तीन तीन फंदे ही हमने दूसरे कलर के लेने हैं, लास्ट और स्टार्ट में। देखिए अब ये जो कलर हमने लगाया था पहले, अब इस दूसरे कलर को चेंज करेंगे। एक दो तीन, तीन फंदे हमने दूसरे कलर के बुनाई किए। अब ये दो फंदे जो हैं क्रीम वाले, इनको हम दोनों को इस सिलाई पर बिना बुना ही स्लिप कर लेंगे। अब हमें यहाँ सिर्फ हमें स्टार्ट में और लास्ट में ही तीन रखने हैं। अब हमें चार चार फंदे दूसरे कलर में बनाने हैं। एक दो तीन चार, फिर से दो फंदे स्लिप कर लेंगे सिलाई पर बिना बुने। फिर से चार फंदे बुनाई कर देंगे। एक दो तीन चार, फिर दो फंदे स्लिप कर लेंगे। एक दो तीन चार, फिर ये दो फंदे स्लिप करने हैं। एक दो, देखिए लास्ट में मेरा एक फंदा यहाँ पर कम रह गया है, लेकिन यहाँ पर तीन ही फंदे आने चाहिए। आप जो है बहुत ध्यान से फंदों को रखेंगे, सिक्स के मल्टीपल से डालने के बाद आप इसमें टू फंदे ऐड इसमें और प्लस कर देंगे। अब देखिए उल्टी सिलाई को जिस तरह से ये फंदे हैं उसी तरह से हमने बनाना है। देखिए जिस कलर के फंदे हैं इन दोनों फंदों को उल्टी सिलाई पर भी फोर रो और फोर पर भी बिना बुना ही स्लिप कर लेना है। रो फोर आई है हमारी, दो फंदे दोनों को स्लिप किया। एक दो तीन चार,
इन दोनों को स्लिप किया, एक दो तीन चार, दो फंदे फिर से स्लिप किए, एक दो तीन चार, फिर से दो फंदों को स्लिप किया बिना बुना। अब देखिए हमारी रो फोर भी कंप्लीट हुई, अब हमारी रो फिफ्थ आई है। देखिए रो फिफ्थ पर हमें क्या करना है, अब देखिए हमें दूसरा कलर चेंज करना होगा रो फिफ्थ पर फिर से। तो इन पहले दो फंदों को हम एक दो, दोनों फंदों को हमने क्रीम बनाया। अब देखिए ये दो फंदे यहाँ बीच में है क्रीम वाले जिनको हम स्लिप कर रहे थे, और ये एक फंदा इधर है ये हमारा पिंक वाला, और एक इधर है। तो देखिए अभी इन फंदों को हमने यहाँ पर लाना है, तो पहले इस फंदे में सिलाई डालकर इस फंदे को निकाल देंगे और इस फंदे को हम इधर बीच में ले लेंगे। अब देखिए ये भी क्रीम बुना जाएगा, ये वाला भी क्रीम बुना जाएगा। अब देखिए ये वाला फंदा इधर लाना है और इस क्रीम को इधर पहुंचाना है इस तरह से। अब फिर से इसमें से दो फंदे क्रीम कर देंगे, एक दो। अब फिर से देखिए ये फंदे आए हैं, तो ये फंदा लेंगे हम, इधर लाना है हमने, तो इस फंदे को सिलाई में लिया, इसको निकाल कर बीच में ले लेंगे इस फंदे को, और इसको हम क्रीम बुन देंगे, एक दो। अब ये वाला फंदा इधर लाना है क्रीम से हमें, तो इस फंदे को यहाँ पर सिलाई डालेंगे पीछे से, और इसको क्रीम को निकाल कर इधर ले लेंगे हम, और इस फंदे को पहले लेंगे। बस हर डिज़ाइन में हमें इसी तरह से करना है इस रो फिफ्थ पर। देखिए फिर से दो फंदे अब ये क्रीम बनाएंगे, एक दो। फिर से ये हमारे ये फंदा आए हैं, दो क्रीम आए हैं, इधर वाला ये इधर वाला यहाँ बीच में आ जाएगा। तो पहले इसको सिलाई में लेंगे, इस फंदे को या नीचे स्लिप करने के बाद दूसरी सिलाई पर हम ले लेंगे। एक दो, अब ये वाला फंदा हमें इधर लाना है और इस वाले फंदे को हमें इधर लाना है। अब दो फंदे इसमें से क्रीम बनाएंगे, एक दो। अब फिर से वही करना है, एक दो। अब ये वाला इधर लाना है, तो पीछे से इसमें सिलाई डालेंगे और इसको निकाल कर इसको यहाँ पर लेंगे, और ये वाला फंदा हमारा बीच में आ गया, एक दो। अब देखिए फिर से इधर लाना है फंदा, बीच में लाने हैं दोनों फंदे, तो सिलाई से निकाला फंदे को, देखिए हमारी रो फिफ्थ भी कंप्लीट हुई। अब हमारी रॉन्ग साइड आई है, रो सिक्स आई है, इसको रो सिक्स को हम पूरा क्रीम से ही उल्टा बना देंगे। एक डिज़ाइन ये हमारा रो सिक्स में कंप्लीट हो जाएगा, ये वाली रो करने के बाद सिक्स रो सेवेंथ पर फिर से इस डिज़ाइन को हम दोबारा से उसी तरह से रिपीट करेंगे जिस तरह से मैंने रो फर्स्ट से आपको बताया था।
ये देखिए रॉ 6 भी कंप्लीट हुई हमारी, और हमारा ये एक डिज़ाइन भी कंप्लीट हो गया। अब दूसरा डिज़ाइन हमारा फिर से उसी तरह से बनेगा। देखिए स्टार्ट में हम 3 फंदे अपने दूसरे कलर के बनाएंगे, 1 2 3। अब फिर से ये दोनों फंदे जो स्लिप किए थे हमने इनको ले लेंगे, 1 2। स्लिप कर लेना है दोनों फंदों को बिना बुना। फिर से ये 4 फंदा आएंगे अब बीच में, 1 2 3 4, 1 2, फिर 4 फंदे, 1 2 3, 1 2, फिर 4 फंदे हमने पिंक में बनाए। अब फिर से 1 2, एक दो, ये देखिए अब हमारी रॉ 7th भी कंप्लीट हुई। अब हमारी रॉ 8 आई है, रॉ 8 को भी उसी तरह से बनाएंगे। जिस कलर के फंदे हैं उन्हें बुन देना है इस वाले कलर को, और जो दो फंदे हमने ये स्लिप किए थे बिना बुने इनको उल्टी सिलाई पर भी स्लिप कर लेना है। एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, ये देखिए रॉ 8 भी कंप्लीट हुई। अब रॉ 9 आई है हमारी, देखिए फिर उसी तरह से करना है हमें। अब ये क्रीम वाला कलर इस्तेमाल होगा, पहले दो फंदे बुन देंगे, 1 2, और ये वाला फंदा और ये वाला फंदा यहाँ बीच में आना है। तो फिर से सिलाई पर इसी तरह से लेंगे जिस तरह से पिछले डिज़ाइन में मैंने आपको दिखाया था, इसको भी क्रीम बनाएंगे, ये भी क्रीम बनेगा, और ये वाला इधर लाना है। तो पीछे से सिलाई में लेकर फंदे को इसको निकाल देंगे और इस सिलाई पर लेंगे। दो फंदे इसमें से, 1 2, देखिए ये वाला फंदा, 1 2। अब ये वाला इधर लाना है तो पीछे से सिलाई डालेंगे, इस फंदे को निकाल देंगे, सिलाई पर लेकर बुनाई कर देंगे, 1 2। फिर से एक दो, ये देखिए अब ये दो बच्चे हैं, ये इधर लाने हैं। देखिए रॉ 9 भी कंप्लीट हुई, और ये डिज़ाइन की अभी उल्टा, 1 2, अभी पूरी रॉ हमारी रॉ 10 उल्टी कंप्लीट हो जाएगी।
रॉयल 11 से फिर से डिज़ाइन बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए रो 10th भी कंप्लीट हुई। बस अब फिर से उसी तरह से आप ये डिज़ाइन बनाते जाएंगे, ये तीन फंदे दूसरे कलर के जो हमने बेस का कलर रखा है, और ये दो फंदे आप ये स्लिप करते जाएंगे, फिर चार फंदे, फिर दो स्लिप, फिर चार फंदे, फिर दो स्लिप, इसी तरह से ये आप डिज़ाइन बनाते जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत ये डिज़ाइन बनकर आएगा। देखिए गाइज, अगर आपको मेरा डिज़ाइन पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और आप मुझे कमेंट्स करके बताएं कैसा लगा आपको मेरा डिज़ाइन। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी वीडियो अपलोड होते ही आप पर नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक्स।